Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL student. तो जैसा कि आप सभी को पता है SOL के फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और इसके लिए स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए OBE पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अभी तक ऐसे भी हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन करने में कुछ ना कुछ वहाँ पर इशू आ रहा है। मेजरली इशूज कुछ तीन चार इशूज है जो मेजरली स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। एक इशू तो ये है कि जब वो अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे फिल कर रहे हैं तो उनका OTP जो है ईमेल आईडी पे रिसीव नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि जब अपनी डिटेल्स वहाँ पे डाल रहे हैं तो इनवैलिड डिटेल्स हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने जो इशू है अपने आप क्रिएट कर लिया क्योंकि उन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहाँ पर गलत ईमेल आईडी डाल दिया। किसी ने जीमेल की स्पेलिंग गलत डाल दिया, किसी ने कॉम की जगह COMM दो बार डाल दिया एम यहाँ पे, तो उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है वही सारी डिटेल्स जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसका OBE पोर्टल पर वहाँ पर लॉग इन हो रहा है तो उसको अब कुछ नहीं करना है। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो ईमेल आईडी अपडेट करने की, ये सारी चीज़ें किन स्टूडेंट्स को करनी है। ऐसा स्टूडेंट जिसका OTP नहीं आ रहा है या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना ईमेल आईडी जो है वहाँ पर गलत फिल कर दी है, उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी ईमेल आईडी अपडेट करनी है। अब ईमेल आईडी आप अपडेट कैसे करेंगे, तो आपको जाना है अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, UG एक एडमिशन टिकट का यानी एडमिट कार्ड का लिंक दिख रहा होगा और दूसरा यहाँ पे OBE पेपर का लिंक दिख रहा होगा। उसके नीचे आपको एक और लिंक अब यहाँ पे मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू अपडेट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल फॉर OBE ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु फेस प्रॉब्लम इन OBE रजिस्ट्रेशन ऑन DU वेबसाइट। यानी ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनको OBE रजिस्ट्रेशन करने में कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो स्टूडेंट जो यहाँ से अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपका लॉगिन सही से हो रहा है तो आपको ये नहीं करना, ये सिर्फ उसी स्टूडेंट को करना है जिसका OTP नहीं आ रहा है या फिर उसने गलत ईमेल आईडी अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर दी है। तो आप इस अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो सही वाला मोबाइल नंबर है वो टाइप करना है और फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टाइप करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा। अब जो आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उससे आपको जाना है और यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से जाके आपको दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करना है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझा दूँ, मोड सेलेक्ट करेंगे आप, प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो नेम है वो आपको एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप करना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में इसको टाइप कर दें। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे टाइप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं फिर वहाँ पे आगे या तो स्पेस रह जाता है या पीछे स्पेस रह जाता है, फिर उनका हो नहीं पाता। तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपने हाथों से टाइप करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आगे जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही प्रोवाइड करना है जो आपने अभी यहाँ से अपडेट किया है, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स की बात तो यहाँ पे क्लियर होगी, जिनका OTP नहीं आ रहा था या फिर जिनका रॉन्ग ईमेल आईडी था वो अपना ईमेल आईडी चेक करें, चेंज करें और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उन स्टूडेंट्स की बात जिनका इनवैलिड डिटेल्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये अपने डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसके बाद ही वहाँ पे शो हो जा रहा है इनवैलिड डिटेल्स। तो ऐसे स्टूडेंट पहले तो चेक करें कि आपने फ़ी कब पे की थी। अब मान लीजिए आपने फ़ी जो है 27 को पे की है या 28 को पे की है तो आप थोड़ा वेट कर लें। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया तो आप थोड़ा वेट करें, नहीं होता फिर भी तो ऐसे सभी स्टूडेंट को जिनका इनवैलिड डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, जिनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, उनको SOL कैंपस जाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन उनका नहीं है। जिसका भी इनवैलिड डिटेल्स शो हो रहा है उसको SOL कैंपस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड जो है वो अभी तक शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा तो पहले तो जाके आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि एग्जाम रोल नंबर चाहिए आपको और आपका नेम चाहिए। अब एग्जाम रोल नंबर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से चलता हुआ रहा है वही सेम है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके देखें। अगर रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो आपको भी SOL के कैंपस में जाना ही पड़ेगा। कल से आपके एग्जाम है, आज आपको SOL कैंपस जाना पड़ेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा तो आपको SOL कैंपस विजिट करना है, इसके अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जिनके OTP में दिक्कत है या फिर रॉन्ग ईमेल आईडी वहाँ पर पुट कर दिए तो वो अपना ईमेल आईडी अपडेट करके वहाँ से काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनकी ईमेल आईडी वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, OTP नहीं आ रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और OBE की जो आगे वाली इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चैनल पर आपको दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।